हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम पता लगाएंगे किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं। अपने पास कोई भी दो वेक्टर दिया हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप है जो यही अपनी यहाँ पे डायरेक्शन बताती है, तो इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। इसके लिए अपने पास दो रूल है, एक है अपने पास राइट हैंड थंब रूल और एक है अपने पास स्क्रू रूल। तो आज हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। तो देखिए, अपना जो है राइट हैंड है, इसको आप इस तरह से, जो ए बी प्लान है, ये अपना बोर्ड है जो ए बी प्लान है, इसके आप इसके परपेंडिकुलर और जो उंगलियाँ हैं वो ए वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, उसके इसके इसके साथ पैरेलल में होनी चाहिए। और आप इस तरह से अपने अंगूठों को रखोगे और जो अपनी ये उंगलियां हैं ये बैंड होनी चाहिए, फोल्ड होनी चाहिए बी वेक्टर की तरफ, और जो अपना ये अंगूठा है यही देगा अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो इस तरह से आप आसानी से ए क्रॉस बी की आप डायरेक्शन निकाल सकते हो बाहर की तरफ। अब आपसे पूछो बी क्रॉस ए, तो आप अपनी इसी हथेली को इसी प्लेन के परपेंडिकुलर रखोगे, लेकिन इस बार आप बी ए की तरफ फोल्ड करोगे क्योंकि इधर वेक्टर दिया हुआ है। आप जो अपना अंगूठा ये रहेगा अंदर की तरफ इस तरह से, और आप ऐसे ऐसे फोल्ड करोगे तो आप पता चल जाए आपको कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है वो किधर है, अंदर की तरफ।